हमारे नेता सम्मान करें, एक बार के बार बार के जा रहे हो पार्टी की, क्या रहा निर्णय? और जिस प्रकार से रामपाल जी आए थे, जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए, ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी, मानो कितने हाथ जोड़े उसके बाद भी ये तो कहीं कोई नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार रामपाल जी आए उनकी भी कोई बात सुनी नहीं गई, नपे थोड़ा नीचे पर जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज्यादा कुछ ना बोले, अपने अपने लग जाए और ऐसे काम ना करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। हाँ, अगर टिकट नहीं बदली जाती और आपको टिकट नहीं दी जाती तो फिर इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग में ली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ है। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मैं, मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद अपने मैं अपने आप कलंकित होकर के जैसे सरताज जी गए ऐसा नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चले गए, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्हें अंतिम क्षणों में अपने इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा। हाँ, जैसे कि भाई साहब आज जो जो कार्यकर्ता आए उन सभी की एक ही मांग है कि रज्जू भैया, अगर चेंज नहीं होता है तो रज्जू भैया की मांग कर रहे, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को ख्याल करेंगे या पार्टी का? नहीं, कार्यकर्ता वो ख्याल करो, जब तो आज कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए तरफ, लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है और टिकट चेंज नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा और जिसको भी मैं यदि मान लो जैसे मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को हाथ नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना। लेकिन भाई साहब सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो जनता के बीच मुंह दिखाने नहीं आए, इस बात की क्या गारंटी कि विधायक बनने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर संगठन से बात की जाएगी कि भाई पार्टी के संगठन इस बात के लिए तय करे कि जिस आदमी ने 5-6 साल जो कुछ करा है उसका ही आक्रोश। यहाँ के लोगों ने तो आपको नसरुल्लाह जाने पे बैन लगा दिया था, आप रेडी तक की बात करते थे, यहाँ बात करते थे, यहाँ तो इन लोगों के हाथ में, फिर ऐसा हो गया तो आपके कार्यकर्ताओं का कार्य कैसे होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम उस टाइम संघर्ष करके हमने काम किए कार्यकर्ताओं के, जिस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और हमारी सत्ता नहीं थी, तो आज तो हम पार्टी की सत्ता में हम खड़े होकर के अपना सब कुछ यदि इच्छा शक्ति प्रबल है काम करने की, मैं लेकिन पावर में तो बोलोगे ना? देखिए जब आदमी अपने पावर में आता है तो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। नहीं, अभी का पावर देख के आप क्या डिसीजन लेंगे? यदि कार्यकर्ताओं का निर्णय ये होता है कि राजेंद्र सिंह राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए और टिकट परिवर्तन होना चाहिए, और यदि टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए आपका क्या निर्णय है? मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस नहीं आने दूंगा, हर संभव बदलती। आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह दिया, मैं व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूं जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। नहीं, यदि भाई साहब अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहां के आपके जो कार्यकर्ता हैं साथ देंगे आपका? देखिए मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आपको भेजा है, आप आए, मतलब आप रज्जू भाई कहने पे आए या पार्टी कहने पे आए? आप पार्टी पे कहने पे आए, रज्जू भाई कहने पे आए? कार्यकर्ता है और यह क्या ये बात ऊपर तक जाएगी क्षेत्र में असंतोष को लेके? यहाँ क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और सांसद रहने का भी मुझे क्षेत्र से सौभाग्य रहा, सड़कों से लेकर पेयजल और अच्छे विकास के काम हमने किए हैं,
और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ और उनकी बात समझने भी मैं आया हूँ। पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? हमारा सर्वे सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक काम पार्टी सर्वे कराती ना टिकट देने से पहले। पार्टी में पार्टी तुम जरा बात करो, जाओ।